वेलकम टू कनाइन कार्टल। अज तो मौसम देख के मैं तो रह नहीं हुआ, मैं क्या अज व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दी जाए। सो तुहानू छोटी जी इंट्रो दे दूंगा। पहला मैं, मेरा नाम है जी प्रभजोत ते मैं बिलोंग करता हूँ लुधियाने तो। कनाइन कार्टल बेसिकली साढ़े फार्म का नाम आ, तुसीं पिछे देख रहे होणे। तो मैं तुहानू दस दूंगा असीं डॉग्स रखे हुए आ फार्म दे विच। असीं ब्रीड वाले डॉग्स भी रखे हुए आ ते स्ट्रीट डॉग्स भी रखे हुए आ। सो सारे मेरे व्लॉग्स साढ़े फार्म दे रिलेटेड ते डॉग्स दे रिलेटेड ही रहणगे। सो स्ट्रीट डॉग रखण दा कारण साडा इह आ कि असीं डॉग्स रेस्क्यू भी करदे आ। तो रेस्क्यू करन तो बाद वैसे असी ठीक होने तो बाद वापस छड़ दिंदे आ, पर जिन्हां नाल साडा प्यार पै जांदा आ कई बार वापस छड्डन दा दिल नहीं करदा हैगा, तो तां असी उह रख लैंदे आ। तो बाकी तुहानू अगे वीडियो दे विच सारे साडे फार्म दा पता लग ही जाएगा। सो अगे दीआं गल्लां आपां फार्म देखदे हुए कर लैंदे आ, ते तुहानू मैं बाकी अपने डॉग्स दे नाल वी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सो चलदे आ, सो फार्म वल चलदे आ हुण। साडा फार्म वैसे रोड ते ही आ, जे किसी ने आना भी हो बड़ा ईजी वे आने का, आना हो कॉन्टैक्ट कर ले। सो ये है जी साडा फार्म हाउस कनाइन कैटल। सो तो एक गल होर, जिन्हां नूं मेरियां वीडियोज़ वधिया लगियां वह लाइक कर दिओ जरूर, जिन्हां नूं नहीं वधिया लगियां वह भी लाइक ही कर दिओ भरावा, होर की करना है। सो ये है जी कोको नोनी, इन्हां दी डिटेल मैं तुहानू बाद च दूंगा, गेट खोल दी पहला आपां, इन्हां बारे तुहानू मैं बाद च दसूंगा। सो ये है जी साडा फ्रंट एरिया मेन एंट्रेंस, जिथे साडी पार्किंग लग जाती है, गड्डी वगैरह की पार्किंग भी साडी इत्थे लग जाती है। रूम्स मैं स्किप करते हैं, वो भी आपां तुहानू किसी होर दिन दिखा देंगे। सो रूम्स तो निकल के साडे बैक की हालत कुछ इतना की है। हालत की है साडा डॉग्स का, जिथे डॉग साडे घूमते मस्ती करते हैं, गार्डन एरिया जिन्हों कह सकते हो तुसी। ते उस तो बाद इधरली लुक तुसी देख सकते हो, जिहड़ा इधर वाला रूम है ये हॉल है वड्डा, ये विच साडे सारे डॉग्स रहिंदे रात नूं ते दिन दे टाइम धुप्पे रहिंदे आ। ते इधर साडी एग्जिट ते एंट्री आ, इधर रूम है मेरा रूम, पिछे यह एरिया हैगा आ साडे डॉग्स ने जदों सुसू पोटी जाना हुंदा आ, जां असीं अलग अलग कई डॉग्स इधर छड्डने हुंदे आ, कई इधर छड्डने हुंदे आ कि लड़न ना आपस दे विच। सो ये इसलिए एरिया बनाया। ये है जी साडे स्ट्रीट डॉग्स, इन्हां दे मैं तुहानूं नाम हौली हौली दस दिंदा। सो इहदा नेम है जी अमू, यह भी साडे डॉग्स दे विचों इक है, इहनूं भी बहुत टाइम हो गया साडे कोले रहिंदे नूं। अमू अमू। ते दूसरी है जी कॉफी, आ जिहड़ी तुसीं ब्राउन कलर की देख रहे हो, कॉफी कॉफी भी बहुत शरारती है, इहदियां अखां बहुत सोहणियां ने। तीजे नंबर से साडा पहलवान दीबू, ये है जी मेल, बाकी तिने फीमेल ने, ये कला मेल है ते बहुत शरारती है दीबू। आ जा मेरा पुत्र चीकू, इहदा नाम हैगा जी चीकू, ये भी फीमेल है। चीकू आ जा चीकू, साडी सब तो डरपोक ये डरदी बहुत है, मेरे कोले बिल्कुल भी नहीं आउंदी है, बस इन्हें इदा ही भजी जाना है। और देखो टोए पट पट के इन्होंने बुरा हाल किया पाया। तो ये दिन के टाइम जिमें अज धुप निकली हुई है, सारे इतें ही इंजॉय करते हैं। ये भी एक असी एरिया बनाया हुआ डॉग्स के लिए, फिलहाल साडा थोड़ा बहुत काम चलता, सो ये भी जो तो पूरी तरह रेडी हो गया फिर मैं तुम दिखा दाँगा। साढ़े को चार स्ट्रीट डॉग वो ने, एक साढ़े कोले होर स्ट्रीट डॉग है, इहदी ना अगलियां लैग्स ते कोई गड्डी चढ़ा गया सीगा ते दोने लैग्स फ्रैक्चर हो गई सीगियां, तकरीबन तीन चार महीने हो गए इहनूं साढ़े कोले, ते हुण तुसीं देख सकदे हो भज्जिया फिरदा है, इहनूं भी मुड़ के वापस छड्डन दा साडा दिल नहीं कीता हैगा। सो इह हुण इत्थे ही रहिंदा है, इह भी चीकू वांगू थोड़ा जिहा डरपोक है,
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛਾਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡੌਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਆ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੌਗਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਇਲ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੌਫੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਇਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਡੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜੋ ਡੌਗਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ।